वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम लोग कर रहे थे एक्यूट साइनसाइटिस, जिसमें मैंने एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस आपको बता दी, और अब हम बाकी तीनों जो है वो ऊपर ऊपर से डिस्कस करा कर लेते हैं। ये आपके, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एसीक्यू में एज सच इनके सिनेरियोज नॉर्मली आए नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा कि कभी आए हुए हो ज्यादातर। लेकिन आपके, क्योंकि एक तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, दूसरा आपके इनमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट बताएं या कॉम्प्लिकेशंस बताएं, या फिर इनमें कोई चीज़ जो खास या स्पेसिफिक टू दीज होती है वो लेके आपका एमसीक्यू का सिनेरियो बन जाता है। जिस वजह से आपको इनको आ रहा है, मैं आपको बताती चाहूंगी कि क्या चीज़ किसमें ज्यादा डिफरेंशिएटिंग और इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके जहन में रहे। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब सारे तरह का जो साइनोसाइटिस है हर तरह का जो भी साइनोसाइटिस है, सारे साइनस की इन्फ्लेमेशन है। तो जो जनरल मेजर्स या जनरल स्टेप्स हैं वो सबके एक जैसे ही रहते हैं, कि हमने सपोज सी बात है कि अगर कोई भी साइनसाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो वहां पर एडिमा, रेडनेस, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, और उसकी जगह पर पेन होना, उसके साथ फीवर होना, बाकी बॉडी एक्स एंड माइल्जियाज और कंजेशन नोज में, ये सारी चीजें सेम रहती हैं, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिर्फ जगह से जगह पे वेरी करते हैं कि फ्रंटल है तो जाहिर फ्रंटल एरिया में होगा, मैक्सिलरी होगा तो वहां पर होगा, तो इसलिए ये चीजें। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस में। हमारे पास जो, अगर कॉज की बात करूं, तो वही बात है कि हमारे पास सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो होता है वायरल इन्फेक्शन है, वायरल के बाद सुपरसीडेड बैक्टीरियल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा वही बात है कि जो लोग डाइविंग स्विमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं उनमें होता है। एंड देन हमारे पास, हमने पहले बात की है मैक्सिलरी साइनसाइटिस की, कि वो भी अगर कॉम्प्लिकेट होगा तो वो फ्रंटल साइनसाइटिस बन सकता है, ठीक है। तो सेम कॉजेज है, मतलब कोई खास डिफरेंट नहीं है। कॉजेज इसकी भी यही है, कॉजेज जो एक्यूट एथमॉइड साइनसाइटिस की है उसमें भी हमारे पास ज्यादातर ये होता है कि बाहर से कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बाकी साइनसेस इन्वॉल्व है तो भी हो सकता है। और एक्यूट सीनर्ड साइनसाइटिस जो है ना, ये तो नॉर्मली पैन साइनसाइटिस में इन्वॉल्व होता है। पैन का मतलब है कि ये शुरू इसमें जल्दी नहीं होता, मतलब ये जो, जैसे मैक्सिलरी है ना, नॉर्मली सबसे कॉमन इन्फेक्शन इन्फेक्ट जो होता है वो आपका मैक्सिलरी में होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन आपका फ्रंटल में होता है, क्योंकि ये आपके जरा नोज के करीब है, स्फीनोइड थोड़ा पीछे करके है। इस पीछे करके साइनस को ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब आपका पैन साइनसाइटिस, यानी सारे साइनसाइटिस साइनसेस जो है वो इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इसीलिए इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा सिवियर कॉम्प्लिकेशंस लेके आती है। तो बहरहाल दीज आर द थिंग्स जो सब में मिलती जुलती है। क्लिनिकल फीचर्स जो आएंगे एक्यूट फ्रंटल में, एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो हेडेक होगा वो फ्रंटल होगा, यानी कि आपके पास वो पेशेंट स्पेसिफिकली हाथ लगा के बताएगा कि मुझे ये जो आपका ये वाली, अगर आपकी आंखें है ना पेशेंट की और ये उसके आईब्रोज है, तो कहेगा कि मुझे इन जगहों पे, ये वाली जगह यहाँ पर आपको बता रहे फ्रंटल साइनस, कहेगा इन जगह बहुत ज्यादा खास तौर पे दर्द हो रहा है, ठीक है, सर में, वो कहेगा माथे में दर्द है, तो इसलिए आपका फ्रंटल हेडेक होता है सबसे ज्यादा इसमें कॉमन। और उसका भी पैटर्न इस तरह से कि जब पेशेंट सुबह उठता है ना, उस टाइम उसे होना शुरू होता है, और दिन को और सुबह के सारे टाइम बहुत ज्यादा रहता है, और शाम तक आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड कर जाता है, इसीलिए उसको ऑफिस हेडेक भी कहते हैं, कि जिस टाइम वर्किंग आवर्स है उस टाइम हेडेक ज्यादा है, शाम को घर आते आते के टाइम तक ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन वो आपके असल में वजह होते हैं ना, सुबह के टाइम आपके बहुत ज्यादा कंजेशन और एडिमा और ये सारी चीजें ज्यादा रिलीज हो रही होती है, क्योंकि बॉडी का मेटाबोलिज्म उस टाइम ज्यादा एक्टिव होता है। तो इन शॉर्ट, मतलब पेशेंट को सर दर्द तो होता ही है, उसके साथ उस जगह पर बहुत ज्यादा टेंडननेस होती है, हाथ अगर जोर से आप लगाएंगे, खासतौर पर आईब्रोज से जरा सा इधर मीडियल, ये सुप्रोमीडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट में जो, जहां पर फ्रंटल साइनस होता है, तो पेशेंट का दर्द से चीख निकल जाती है, इतना दर्द होता है। अच्छा, उसके साथ हमारे पास ये वाला जो आपका, क्योंकि साइनस है बिल्कुल ये आंख के करीब है, यहाँ पर होता है ना इसकी लोकेशन, तो इसमें आई की इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो सकती है। आपका ऑर्बिटल एडिमा भी साथ होता है अगर आपका साइनसाइटिस इन्वॉल्व होगा, और उसके साथ साथ आपका कंजक्टिवा भी रेड हो चुका होता है, ठीक है। अक्सर औकात पेशेंट को इवन लाइट से भी वो हो रहा होता है, वो कहते हैं कि मुझे रोशनी आंखों में चुभ रही है, क्योंकि उसके साइनस की जो इन्फेक्शन के साथ जो इन्फ्लेमेशन की इन्वॉल्वमेंट, वो इन्फ्लेमेशन उसकी आई को भी इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है जी। तो और साथ जो बाकी सिम्टम्स हैं, नेजल डिकंजेशन और नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज और पस और म्यूकस की सिक्रीशन, ये सारे तो होते ही हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना नोज को ऊपर करके, नोज की टिप को ऊपर करके देखेंगे, तो आपको क्या नजर आएगा, क्योंकि आपकी जो फ्रंटल साइनस है वो इधर पीछे करके, और उसकी ड्रेनेज होती है मिडल मीटस में इधर पीछे करके, तो आपको यहाँ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ मिडल मीटस में ना आपको बहुत ज्यादा म्यूकस और स्ट्रीक्स और पस और इस किस्म का क्लॉग नजर आएगा, ठीक है। आगे से नाक उतनी ज्यादा कंजेस्टेड और एडिमेटस नहीं होती, पीछे का जो पोर्शन है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इसमें। तो ये आपका सारे इसमें सिम्टम्स और साइंस होते हैं। उसके बाद आपने, अगर नॉर्मली आपसे, वैसे तो होता है कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के भी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश किया जा सकता है, नहीं है तो आपने एक्सरे करवाना है और आपको साइनस क्लॉग आराम से मिल जाएगा, और कोई टेस्ट खास कराने की जरूरत नहीं होती, सीटी स्कैन बहुत कम जरूरत पड़ता है कराने के लिए। ट्रीटमेंट क्या करनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट सारी सेम है, आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, नेजल डिकंजेस्टेंट्स देने हैं, एंटीहिस्टामिन्स के साथ कॉम्बिनेशन में देना है, साथ एंटीपायरेटिक या एनर्जेसिक देने, मतलब सारी वो बातें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एक्यूट मैक्सिलरी में। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है।
क्योंकि अगर हमारे पास इन सारी चीज़ों से ये ठीक नहीं हो रहा तो हम क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमने साइनस को ड्रेन तो करना है, ड्रेन नहीं करेंगे तो पेशेंट का दर्द और टेंडनेस नहीं जाएगी, तो उसके लिए हमने बाहर से इस जगह पर हम एक इंसिजन देते हैं, और इंसिजन देके हम बोन को एक्सपोज करेंगे, हमें फ्रंटल बोन नजर आएगी। जब फ्रंटल बोन एक्सपोज हो जाती है तो उसमें हम एक होल करते हैं ताकि साइनस तक पहुंच सके, क्योंकि फ्रंटल साइनस जो है वो फ्रंटल बोन के बीच में ही है ना, तो जब साइनस तक हम पहुंचने के लिए बीच में होल करते हैं तो वहां से फिर साइनस का जो भी कुछ है उसको हम ड्रेन करते हैं सारी चीजों को, तो इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को ट्रेफिनेशन। ठीक है, ट्रेफिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनस, तो ये लफ्ज आपने याद रखना है, ये आपसे पूछते हैं, ये स्पेसिफिक है फ्रंटल साइनस का। फ्रंटल हेडेक इसके लिए बहुत स्पेसिफिक है, और इसके साथ आई की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है थोड़ी बहुत, ये याद रखना है। और ट्रेफिनेशन हमने इसका सर्जिकल प्रोसीजर है जो करना होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं छोटी सी ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सा ड्रेन होता रहे, तब तक वो हम रहने देते हैं जब तक हमारे पास जो इसका नेचुरल ड्रेनेज पाथवे वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी करके मेडिकल ट्रीटमेंट भूल जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट तो देनी देनी है, लेकिन सर्जिकल उसको हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये करनी है, और उसके वजह से ताकि पेशेंट की जो ड्रेनेज पाथवे वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जब उसका नॉर्मल ड्रेनेज पाथवे यानी जो उसकी नॉर्मल फ्रंटल नेजल डक्ट है वो ठीक हो जाती है, तो फिर हम इसको भी छोड़ देते हैं, मतलब ये वाली ट्यूब निकाल देंगे और सब कुछ ठीक कर देते हैं। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, जाहिर है आपका, मैंने कहा कि आंख इन्वॉल्व है, अगर आंख इन्वॉल्व ज्यादा होती है तो आपको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। उसके अलावा हमेशा हर जो साइनस है उसमें आपका ऑस्टियोमेलाइटिस तो हो ही सकता है, क्योंकि हर साइनस के आसपास बोन पड़ी हुई है और बोन इन्वॉल्व होगी तो ऑस्टियोमेलाइटिस हो जाएगा। अब इस साइनस के पीछे पड़े हुए आपका ब्रेन, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन के सबसे पहले कवरिंग्स है, मेनिंजीज है, तो मेनिंजाइटिस भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपका ये एक्यूट इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन बन सकता है, तो वो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देन हमारे पास आता है एक्यूट एथमॉइड साइनसाइटिस। अब इसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, मैंने कॉज तो आपको पहले ही बता दी थी, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स जो है इसमें वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सबसे पहले तो आपको पेन है, पेन ओवरऑल पेशेंट कहेगा कि मुंह में बहुत दर्द है और सर दर्द उसको बहुत ज्यादा होता है और आंख के करीब। ठीक है, अब ये जो आपका साइनस है ना एथमॉइड साइनस, थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है और आंखों के इसका बहुत ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा करीब जो आंखों के है और जो सबसे ज्यादा कॉमनली आपकी आंखों को इन्वॉल्व कर सकता है और सेलुलाइटिस कर सकता है वो आपका एथमॉइड है, ये भी कर सकता है, एथमॉइड इससे भी ज्यादा करेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस किसी साइनसाइटिस में हो सकता है तो वो एथमॉइड साइनसाइटिस है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और उसके साथ आपका आईलिड्स का बहुत ज्यादा एडिमा, नेजल डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग और ये सारी चीजें तो आपकी साथ साथ रहती हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ याद रखना है कि आंखों की इन्वॉल्वमेंट, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल एडिमा इसमें बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट हमने मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमने पहले पीढ़ी है वही सारी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, और हमने सिर्फ इसमें एक चीज़ का वही ध्यान रखना है कि आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो। अगर पेशेंट की कहीं पर भी विजुअल इन्वॉल्वमेंट हमें ज़्यादा लग रही है, पेशेंट को सपोज उसकी आंखें बाहर निकली हुई, उसको प्रोक्टोसिस हुआ हुआ है, एग्जॉफ्थेल्मोस हुआ हुआ, या उसकी आंख बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, वो कह रहे हैं कि आंख में बहुत दर्द है, या आईलिड्स बहुत सूजी हुई है और उसे रोशनी बहुत चुभ रही है, तो हमने आंखों की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी है, मतलब पूरी जिस तरह एक आई की एग्जामिनेशन होती है जिसमें हमें उसकी शुरू से आखिर तक फंडस तक सब देखना है, क्योंकि इसमें आई की इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर आपकी खुदा न खास्ता आई के साथ ऑप्टिक नर्व वगैरह कोई ऐसा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट की सडन विजुअल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट को पेन से बचाने के लिए, सॉरी विजुअल लॉस से बचाने के लिए आपने लाजमी देखने किसी कॉम्प्लिकेशंस में आपका सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस लीडिंग टू विजुअल डेटरियोरेशन है। ठीक है, आपकी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। इसी तरह आपका इसके पीछे जो है हमारे पास ब्रेन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि वर्नस साइनस है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है जो पीछे की तरफ हमारे इसमें खराब हो सकते हैं, तो बड़ा ध्यान करना है। इसीलिए ये इतना कॉमन है ही नहीं, एक्यूट एथमॉइड साइनसाइटिस इतना कॉमन नहीं होता, ज्यादा मैक्सिलरी होता है। अब जो स्फीनॉइड है ना ये सबसे अनकॉमन है, बहुत अनकॉमन होता है, और सबसे ज्यादा ये तभी इन्वॉल्व होता है जब सारे साइनसेस अफेक्ट हो चुके होते हैं, और ये क्योंकि सबसे ज्यादा फेटल होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक इसी में बातें आती हैं। जो इसके सिम्टम्स होगी वो भी ये होती है, हेडेक है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है। इसमें ना ये आता है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पीछे करके है ना इसमें आगे इतना डिस्चार्ज होता है जितना पेशेंट कहते हैं कि पीछे की तरफ रेशा गिरता है, और आपको आगे से नोज एग्जामिन करते हुए इतनी फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। जब आप करेंगे ना उसकी पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, यानी आप मुंह के जरिए वो डालेंगे ये पोस्टीरियर जो होता है शीशा सा छोटा सा जो पोस्टीरियर राइनोस्कोप होता है, और देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पोस्टीरियर पोर्शन जो है नेजोफेरिंक्स का वो आपका वहां पर म्यूकस और बहुत ज्यादा कुछ पड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इसमें ज्यादा होता है एक्यूट स्फीनॉइड साइनसाइटिस में, और यही बात है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना वो आपके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर सकती हैं ब्रेन और उसके पार्ट्स को, क्योंकि ये ब्रेन और कैवर्नस साइनस, और मैंने आपको बताया था ना स्फीनॉइड साइनस का जो रूफ था उसमें कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, उसमें मैंने कहा था ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है, कैवर्नस साइनस है, ऑप्टिक क्याज्मा है, और काफी सारा कुछ था, तो इस तरह ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा चीजों को प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर स्फीनॉइड साइनस इन्वॉल्व होता है कभी भी किसी चीज़ में ना, तो आप एकदम से साइनसाइटिस नहीं सोचते, क्योंकि स्फीनॉइड साइनस हमेशा लेट इन्वॉल्व होता है चीज़ों में, तो इसलिए आपके जहन में एक फौरी तौर पर सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि न्यूप्लाज्म भी हो सकता है,
कोई सिंपल म्यूकोसील भी हो सकती है, कोई और भी चीज़ें, तो आपने डिफरेंशियल्स फॉरन बनाने होते हैं। जैसे हम एक्सिलरी में हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते, मतलब सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन बात होती है ना कुछ चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं, तो ये आपका ज़्यादा सीरियस मामला होता है। और ट्रीटमेंट अगर हो जाएगी तो उसमें अगर मतलब साइनसाइटिस ही है तो फिर आपने ट्रीटमेंट वही करनी है जो आपकी बाकी सबकी है, क्योंकि है तो सिंपल साइनसाइटिस ही, तो आपने जो बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट थी वही करनी होती है। यहाँ पर देखिए बात खत्म करते हैं, किसी को कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी, थैंक यू।